हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे भाई। क्या भाई यार, लाइट कैसे चली गई यार? भाई ऐसा नहीं करे यार, वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे साथी ने, जो मेरे साथ रूम में रहता है, लाइट बंद कर दिया था। मेरे साथ ऐसा ही करते रहते हैं, मजाक पूरा दिन। ठीक है, वैसे इससे ज़्यादा मैं मजाक करता हूँ उसके साथ में। चलो, आज का वीडियो एक ज़बरदस्त वीडियो रहेगा। अगर जो आपने मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो होगा। काफ़ी, एक लड़का था मौर्या करके, उसका नाम आता है मौर्या करके। तो वो मेरे से काफ़ी सारे वीडियो में के नीचे कमेंट करता रहता है कि भाई एचआर की जॉब, मैं एचआर की जॉब करता हूँ इंडिया के अंदर, और एचआर की सैलरी वगैरह कितनी होती है दुबई के अंदर। ठीक है, एचआर, ठीक है। और वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, मैं बता देता हूँ यार कि अगर जो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साइड में एक रेड कलर का बटन होता है, बटन बोल सकते, एक एरिया होता है, उस पर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर दो। बाद में घंटा आएगा, घंटे का ऑप्शन आएगा उधर, उसको घंटा कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जितने मेरे वीडियो आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, जितने भी, यार देखो भाई, तो लेकिन लाइट मेरे कहाँ से आ मेरे रही है? फ्रेंड ने क्या किया, एसी बंद कर दिया था। अभी एसी का क्या, बंद नहीं, बंद बोल रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया था यार, उसका फिर साउंड आता है वगैरह, इसलिए मैंने बंद किया। मैं बोल रहा हूँ फ़ैन चला ले। तो आते टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले यार बता देता हूँ, मैं एक वीडियो अपलोड किया था, कल किया था शायद, पता नहीं आज, कि उसका टाइटल भी था ब्रदर की जेब। ठीक है, और मेरा कज़न ब्रदर है वो, और जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी कल। साथ में दो तीन लड़कों कमेंट आया कि भाई आप ये क्या बकवास वीडियो बना रहे हैं। तो भाई मेरे को बोल रहा है ओए कि हट जा। अरे एसी चालू कर देना, फिर यार बाद एसी अभी नहीं चालू करो, बाद में कर में लूँगा, बात कर देना। 5 मिनट बाद में कर दूँगा। तो बिल्कुल भाई यार, आधे सीधा टॉपिक के ऊपर, मैं लेटा हुआ था, मैंने सोचा चलो वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। हाँ, एक लड़का, दो तीन लड़कों ने बोला मेरे को, कमेंट आए हुए थे, आप जाके वीडियो में देख सकते हो। मेरे को बोल रहे हैं कि भाई ऐसा वीडियो ना बनाओ, ये ना यार। एक ने बोला कि पता नहीं यार क्या था उसको, मैं देख एक बार देखता हूँ, उसके बाद मैं बनाता हूँ। भाई मैंने अभी वो कमेंट दोबारा फिर देखे, कोई गौरव कुमार करके लड़का है, गौरव, ठीक है। उसने मेरे को बोला एक तो कि भाई आप अपना जो चैनल है ख़राब कर रहे हो ये चीज़। भाई मैं आप लोगों ने शायद मेरा स्टार्टिंग में वीडियो नहीं देखा यार। सबसे पहले मैं बताऊं, मैं गलत नहीं कभी किसी को बोलता। आजकल का भाई 2020 चल रहा है, ठीक है, आप लोगों ने इसके टाइम के साथ में चलना है। और दूसरी बात मैं बताऊं, मैंने अपने लाइफ के बारे में और ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। कोई मैं वैसे नहीं करता यार, ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ। मेरे को यार बस, मैं आगे बोला नहीं चाहता, आप समझदार हैं, ठीक है, काफ़ी। और बोलना तो मैं काफ़ी चाह रहा था, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता था मैं, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो यार। लेकिन मेरे को लगा कि भाई हाँ, आप लोगों को ये चीज़ें बोलना अरे बहुत भाई ज़रूरी चल है, ठीक है, क्योंकि यार अच्छी बात है। मैं सीधा जो मेन बात है यार, आप किस चीज़ पे गलत बोल रहे हो भाई, वो चीज़ें कोई गलत नहीं है। आप यार किस दुनिया में जी रहे हो, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ भाई, ठीक है। अगर जो मैं ऐसे में मैं अपने बारे में मैंने एक वीडियो बनाना है, ठीक है, काफ़ी लड़ों कमेंट थे, तो यार उसमें क्या है, मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड है और मेरा कज़न ब्रदर है, मेरी बुआ का लड़का है, ठीक है, तो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो शायद शादी भी उसी से करेगा। तो भाई इसमें क्या क्या गलत है, हमारे फैमिली को पता है, उस लड़की की फैमिली को पता है। ठीक है, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है भाई। हाँ, अगर जो आप किसी से लव करो और उसको चीट करो, वो रॉन्ग होता है, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जो करो जेन्युइन करो, जिसमें फैमिली को पता हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फैमिली से चुपके करो, फैमिली को इन्फॉर्म करो। और सीधी बात आता है टॉपिक के ऊपर, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो गया था अलग, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, जो मेन टॉपिक था एचआर की जॉब के बारे में। देख भाई, आप देखो एचआर की जॉब एक, क्या मैं बोल सकता हूँ यार उसको,
एक वाइट, सबसे पहले बताऊंगा कि वाइट कलर जॉब होती है एचआर की, और ये पूरी कंपनी का एक एचआर होता है, ठीक है, जो हायरिंग करता है। मींस कंपनी का एक, समझो ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक लेफ्ट हैंड होता है लेफ्ट और राइट, तो समझो एक एक हाथ इसमें एचआर का होता है, क्योंकि एचआर का बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी के अंदर। बंदों को हायर करना, मींस इंटरव्यू लेना, वीजे लगाना, ये सब चीज़ें एचआर करता है। और इसके लिए वो बोल रहा था मेरे को, मतलब केस में एजुकेशन क्या होनी चाहिए भाई, सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और मोस्टली आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर डिपार्टमेंट का, सेम फील्ड का, ठीक है। उसके बाद आपका, और सबसे पहले बताता हूँ इसकी एजुकेशन, आप कम से कम ग्रेजुएशन होने चाहिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ ग्रेजुएशन होने चाहिए। उसके बाद आपको सेम फील्ड का, ठीक है ना, जैसे आप एचआर की जॉब के लिए इधर दुबई में अप्लाई कर रहे हो, तो सेम आप अपनी होम कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, आप किसी भी अपनी होम कंट्री में, सेम कंट्री में आपके पास सेम फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मींस अगर जो आप दुबई में एचआर के लिए आ रहे हो, तो आपको अपनी होम कंट्री में किसी भी कंपनी का एचआर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप मींस अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो आपके 99% चांस हो जाते हैं कि आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब आप उधर अपना डॉक्यूमेंट देते हो, सीवी देते हो, तो वो जब एक्सपीरियंस देखते हैं तो उसको पहले बुलाते हैं कि भाई इसको, बंदे को हम लोगों ने सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एचआर होता है वो खुद सिखाता है, ना कि वो सीखता है, ठीक है। वो नीचे वालों को खुद सिखाता है, और एक कंपनी का पूरा ये समझो वीजे का जितने भी काम होता है, और मैं पहले बता चुका हूँ इंटरव्यू वगैरह का पूरा फेस हम लोगों ने एचआर को करना पड़ता है, ठीक है। और सैलरी, ठीक है, सैलरी बता देता हूँ। देखो भैया, अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी होती है एचआर की, ये समझो। अगर तो मैं मिनिमम सैलरी की बात करूँ, मिनिमम की मतलब कम से कम सैलरी एचआर की, वो 3,500 से स्टार्टिंग होती है। मींस वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, लेकिन मिनिमम अगर जो आप एचआर की जॉब कर रहे हो, तो आपको 3,500 दरम, मींस इंडिया का 70,000 रुपीज़ NRI की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ की। अगर जो आप किसी भी कंट्री में, अपनी कंट्री के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, एंड अब उसकी मैक्सिमम सैलरी कोई नहीं बता सकते, कहीं 10,000 दरम इधर की है, किसी में 20,000, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आपकी कंपनी कितना टर्नओवर कर रही है, मींस कितनी बड़ी कंपनी है और कंपनी कितना बेनिफिट करती है। जैसे छोटी कंपनी होगी तो उसकी वर्करों की सैलरी छोटी होगी, बड़ी कंपनी होगी, ये डिपेंड करता है कंपनी के भी ऊपर, ठीक है, आपकी कंपनी कैसी है। और बस यही सब कुछ था, बाकी आप लोगों की समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। अगर जो नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। और भाई जो मैंने पहले आप लोगों से बताया कि वो मैंने ब्रदर की जेब के बारे में एक वीडियो बनाई थी, अगर जो आपको उसके बारे में कुछ भी आपके दिल में हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दो वीडियो के नीचे कि भाई मैंने वो गलत बनाया सही बनाया, ठीक है। और बस यही था आप लोगों के साथ में, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मैं अभी सोने वाला था, मैंने सोचा नहीं यार आपके लिए वीडियो बना दूँ, अभी लेटा हुआ हूँ, ठीक है। तो ओके भाई, बाय बाय, अपना ध्यान रख के, अपनी फैमिली का ध्यान रख के लॉकडाउन में, और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। खाने के लिए सब्जी लेके आइए अपने घर पर, और बस यही था आप लोगों के साथ में। ओके, थैंक यू, लव यू सारे, बाय बाय, अपना ध्यान रख के, अपनी फैमिली का ध्यान रख के, बाय बाय।